हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, टू कलर से आज मैं राउंड शेप में आपको बिल्कुल ही नया डिज़ाइन सिखाऊंगी। ये आप डिज़ाइन किसी भी अपने प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। डोरमेट बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो, पूजा का आसन बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और आप इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हो। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 9 नंबर की नीडल्स का मैंने यहाँ पर यूज किया है। और सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे। ये देखिए फंदे हम फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल ही सिंपल तरीके के फंदे डाल लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें एक ये देखिए नोट लगा ली है। ये मेरे पास पतली ऊन है फ्रेंड्स, पुरानी है आप, इसलिए मैंने इसको डबल किया है। अगर आपके पास सिंगल है, मोटी है, तो आप सिंगल से ही बनाइए। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 12 फंदे और डाल लेती हूँ। 22 फंदे पे मैं इस डिज़ाइन को आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 22 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप फ्रेंड्स इसमें 4-4 के मल्टीपल में फंदे डालिए और 2 फंदे आप एक्स्ट्रा डाल लीजिए। आपको जितना भी बड़ा बनाना है 4 के मल्टीपल में आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए फर्स्ट रो से ही हम इसमें अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। और ये जो हमारा बचा है आप इसको भी यहाँ पे ऐसे टाइट कर लीजिए नोट लगा के। ये देखिए अब फर्स्ट रो से ही फ्रेंड्स हम अपना इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 ध्यान से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितने भी फ्रेंड्स आप फंदे डालो हाफ हाफ फंदे कर लीजिए। 2 फंदे आप इस साइड एक्स्ट्रा जो हमने डाले हैं वो हमारे इस साइड रहेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं इसमें अपना एक और कलर लगा दूँगी। आप कोई भी कलर लगाइएगा। देखिए इसकी यहाँ पे आप नोट लगा लीजिए। मैं इसको ऐसे यहाँ पे दबा के पक्का कर लूँगी। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 8 फंदे से हम कली की स्टार्टिंग करेंगे। 2 फंदे मैंने नीचे छोड़ दिए हैं और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊँगी। ये देखिए ये हमारी फ्रेंड्स सीधी साइड बनेगी। ध्यान से देखिएगा, जो जिस कलर का फंदा होगा आपने उसी कलर से बनाना है। ये एक रो मैं आपको उतार के दिखाऊंगी, फिर आपने हर बार लास्ट तक ये रो इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए अब देखिए थ्रेड को पीछे कर देंगे। ध्यान से देखिए और पीछे से दूसरा लेके आएंगे ऐसे क्रॉस करके। हर बार आपने फंदे को क्रॉस करना है, इससे क्या होगा हमारा दोनों कलर के बीच में गैप नहीं बनेगा। ये रो आपने जो जिस कलर का होगा उसी कलर से बनानी है और सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बनाने हैं। किनारे के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको थ्रेड पीछा करके इसको हम सीधा बना देंगे। अब देखिए फिर से पलट लेंगे, इस साइड से इसको ऐसे ही उतार लेंगे। इसको एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए फिर से हम यहाँ पे इस साइड भी क्रॉस करेंगे। ये फ्रेंड्स इसमें इस डिज़ाइन में हमारी 4 रो बिल्कुल सेम बनती हैं। 2 हमने पहले बनाई थी, ये मेरी तीसरी रो है। एक तरफ से उल्टी तरफ से बनाई, सीधी तरफ से बनाई, अब उल्टी तरफ से तीसरी। और 2 फंदे हम पीछे छोड़ देंगे, आगे के फंदे हम सेम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन पीछे से हम फंदे 2 हर बार छोड़ते आएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए सीधी साइड से हमने कैसे करना है। थ्रेड को आपने क्रॉस करना है ऐसे और पीछे से ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आना है।
हर बार आपने ये रो इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए, और इसको आप ऐसे सीधा बनाइएगा, थोड़ा सा और बन जाएगा फिर दिखेगी यहाँ की फिनिशिंग। अब देखिए इस डिज़ाइन की हमारी ये चार रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, ये दो लाइन हमारी ये बन गई हैं। अब देखिए फिर से ध्यान से फर्स्ट वाले को उतार लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे बनाएंगे, चार फंदे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक दो, ध्यान से देखिए, तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर से हमारे आठ फंदे हो गए। इसलिए मैंने बोला था आपको कि चार चार के मल्टीपल में आप ये फंदे डालिएगा, क्योंकि चार चार स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीधी साइड फिर से देखिए, फिर से हम इसी डिज़ाइन को दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स आपको कि हम एक डिज़ाइन में जब ऊपर को लेके आए थे, तो इस बार भी हम दो रो ऐसे ही उतारेंगे सेम, बिल्कुल पीछे लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए फिर से छोड़ दिए दो, और यहीं से मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इसकी भी मैंने हो गई फ्रेंड्स चार रो, और ये ऊपर किया था इसकी भी चार रो हो गई, और ये देखिए यहाँ से हमारी ऐसी फिनिशिंग आएगी। अब फिर से देखिए एक बार, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। अब देखिए दो तीन और ये चार, और फिर से हम ये चार स्टेप आगे आएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। ये देखिए ये हाफ कली के डिज़ाइन का है फ्रेंड्स, इसकी फुल कली का भी मैंने वीडियो डाल रखी है। अगर आपको फुल कली बनानी है इसमें तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये हाफ कली का डिज़ाइन है जो कि बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। ये देखिए फिर से उतार लेंगे, अभी हमारी इसकी दो रो हुई हैं, दो रो हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे आप क्रॉस कर लीजिएगा। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः, सॉरी छः बनाएंगे, ये दो फंदे पिछली बार हमने छोड़े थे, दो इस बार हम ये छोड़ देंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। देखिए ऊपर वाले डिज़ाइन की भी चार रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो जितना भी आपको बड़ा बनाना है फ्रेंड्स, उतने ही आप चार के मल्टीपल में फंदे डालिएगा, ये आपका डिज़ाइन ऊपर की तरफ जाता जाएगा, और नीचे दो दो फंदे आप छोड़ते जाइए। जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा आप इसे बना सकते हो। इस फंदे को फ्रेंड्स आप इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये भी हमारा हो गया, अब ये जो लास्ट के फंदे बचे हुए हैं, ये देखिए इसको ऐसे टाइट कर लीजिए। ये देखिए चार पाँच छः सात और आठ, ये दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। फिर से देखिए, क्योंकि इस डिज़ाइन की हमारी दो रो हुई हैं, दो तीन चार पाँच और छः, दो फंदे हमने फिर से
छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हमने दो दो फंदे करके छोड़ दिए हैं, 16 फंदे हमारे छूट गए हैं। और ये देखिए डिजाइन हमारा ऊपर तक आ गया है बिल्कुल। अगर आपके पास और ज़्यादा फंदे हैं तो आप डिजाइन को ऐसे ही ऊपर की तरफ लेके जाइए। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये सारे ही फंदे हम, क्योंकि एक कली हमारी बन के ख़त्म हो गई है, दो दो करके हमने छोड़ रखे हैं, इन सब को हम इस रो में बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, नीचे तक सारे ही फंदे हम बना लेंगे। ये पूरी रो बना ली, अभी साइड से भी मैं इसको बना के कंप्लीट करूँगी उल्टा उल्टा। ये देखिए ये कली हमारे फ्रेंड्स बनके कंप्लीट हो गई है, सारे फंदे हमने बना लिए हैं और सीधी साइड से भी मैंने ये रो को पूरा कर लिया है। हर कली के बीच में हमारी ये आउटलाइन आएगी। अब देखिए अगले कली की फ्रेंड्स हम फिर से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए एक, ध्यान से देखिए, 2 3 4 इसको थ्रेड को हम साथ साथ ऐसे लेके आएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हमने बना लिए। अगर फ्रेंड्स आपको एक कली अलग दूसरे कलर से बनानी है तो आप यहीं से दूसरा कलर लगा लीजिए, मैं इसी कलर से बनाऊंगी। तो देखिए इसलिए हम इसको थ्रेड को ऊपर से नीचे लेके आए थे, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये थ्रेड लंबा हो जाता। 2 3 4 5 6 7 8 दो फंदे हम नीचे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सीधी साइड से जो जैसा होगा वैसा ही बना लेंगे। फिर इसकी हमारी दो रो पूरी हो जाएंगी, फिर सेम हम इन फंदों को फिर से बना लेंगे लेकिन पीछे की साइड दो फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी चार रो हो जाएंगी, जैसे हमारी नीचे हो गई फिर हम चार स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे दो दो फंदे ऐसे ही छोड़ते जाएंगे, फिर चार रो हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने ये सेकंड वाली बना रखी है, फिर हम चार स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम ये बनाएंगे, चार स्टेप और लास्ट में आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम ये कली बना देंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी बहुत सुंदर इसकी लुक आई है, तो मैं इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ, आप भी बना लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना के इसे कम्प्लीट कर लिया है, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।